सारा राज्य में एककालीन आरंभ हेब कोरोना पर टीकाकरण 16 तारीख में 30 जिला और 5 महानगर निगम में दिजिव टीका आसला 160 टीकाकरण केन्द्र तालिका। नवीन सुझिले 2015 आनी भौनी गीता मेहटा 15 लाख टंकार ऋण नवीन निवास रे रही मुख्यमंत्री दुई तृतीयांश भाग फरीदाबाद रे जमी बिक्री निष्पत्ति नवीन मुख्यमंत्री समेत संपत्ति तालिका दे मंत्री मंत्री किए एक नंबर धनी आश्चर्य कला नवदास को गाड़ी तालिका 2018-20 मध्य पर सदस्य कि 80 गाड़ी तुषार कांति बेहरा सबुठ गरीब मंत्री मोट संपत्तिर मूल्य 33 लाख टंका कालिया दर्शन पर हटिला कटक श्रीमंदिर प्रवेश 21 तारीख दरकार नहीं कोरोना सर्टिफिकेट सका 7 आरंभ हो साधारण दर्शन गोटे दिन में दर्शन करें 30,000 भक्त केन्द्रापड़े कार्यक्रम हेले देखा जाती केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती कोरी दसपल्ला पारादीप विधायकों करमंत्रण किंतु स्थान पाना सांसद एवं चर्चा पारिवारिक बिवाद कोठेता होती कि अनुभव नवरंगपुर तालापदर में निर्माणाधीन विजु सेतु भुशुड़ा घटन कार्यानुष्ठान निर्देश ठिकादार और अधिकारी नाँ से मामला रुजु सह गिरफ करने को कहले उन्नयन कमिशनर पोल स्लाब खसी जड़े मृत 3 गुरुतर एवं सिडनी टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी को जातीय आक्षेप प्रसंग घटना को गंभीरतार ग्रहण कला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई को मागिला क्षमा घटना को विभिन्न महलु समालोचना। नवरंगपुर तालापद निर्माणाधीन पोल भुशुड़ा घटन कार्यानुष्ठान निर्देश ब्रिज निर्माण करुवा ठिकादार और दायित्व में अधिकारी नाँ से फौजदारी मामला रुजु करने गिरफ्त करने निर्देश देते उन्नयन कमिशनर प्रदीप कुमार जेना एस उद्धार कार्य त्वरान्वित करने को जिलापा को निर्देश देते अधीक्षण जंत्री घटनास्थल में पहुंचा को निर्देश देते से ईआईसी को घटनास्थल को जी तदंत करने को निर्देश दी तेबे जहां खबर आसी पहुंचुची जे नवरंगपुर तालापद निर्माणाधीन पोल भुशुड़ा घटन कार्यानुष्ठान निर्देश दिया जाएगी ब्रिज निर्माण करुवा ठिकादार और दायित्व में अधिकारी नाँ से फौजदारी मामला रुजु कर प्रदीप कुमार जेना जी किदिन पूर्व ही उन्नयन कमिशनर होती एस उद्धार कार्य त्वरान्वित करने को जिलापा को निर्देश दीजिए तेबे नवरंगपुर रे पोल भुशुड़ा घटना आसीथिला आजि एवं सेथिरे जणे मृत एवं 3 जण गुरुतर आहत बोली सूचना आसीथिला सूचना आसीबार किछि समय परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछंती उन्नयन कमिश्नर पीके जेना तेबे जहां सूचना आसी पहुंचे ब्रिज निर्माण करुतबा ठिकादार एवं दायित्व रे थिबा अधिकारी नाँ से फौजदारी मामला रुजु करबा सह सेमानंकु गिरफ्त करबा पाई निर्देश देछंती उन्नयन कमिश्नर एतिस उद्धार कार्य त्वरान्वित करबा को जिलापाल को निर्देश दिया जाएगी जहां सूचना आसला जे बहु गुरुत्वपूर्ण पोलटी थिला एवं पोल निर्माण समय रे विभिन्न प्रकार घटना दुर्घटना मध्य विभिन्न प्रकार काम चलता किंतु जहां आज घटना आसी पहुंची थिला जे तृतीय स्लाब जितेबले तैयारी करा जाउथिला सही समय रे पोलटी भांगी पड़ी पोलटी भांगी पड़ा पर जड़े मृत होता सूचना आसीला और 3 जण गुरुतर होता सूचना आसला नवरंगपुर तालापदर में निर्माण चलता विजु सेतु भुशुड़ी पड़ी आज पोलर तृतीय स्लैब कार्य चलता बेले खसी पड़ा भंगा ब्रिज तले चापी हो जणकर मृत्यु होगा 3 जण गुरुतर होती समस्त आहत को उमरकोट डाक्तरखाना भर्ती कर जानीगुड़ू तालापदर को संजोग करने को ग्राम्य उन्नयन विभाग अधीन चलता विजु सेतु निर्माण कार्य दुईट स्लाब सरीता बेले 3 नंबर स्लाब निर्माण चलता बेले घटी दुर्घटना 2,41,00,000 टंका व्यय अटकल पोल निर्माण चलती पोल निर्माण हेले 7 गांव उपकृत होता तेज सेतु संपूर्ण होगा आगु एपरी दुर्घटना लोकों मध्य असंतोष खेल आसंता 16 तारीख अर्थात शनिवार सारा देश ओडिशा रे आरंभ होबाकू जाउची कोरोना टीकाकरण
एककालीन राज्यर मोट 160 सेसन साइट बा टीकाकरण केन्द्र रे दियाजीव कोरोना टीका 30 जिला और भुवनेश्वर समेत 5 महानगर निगम रे एही टीकाकरण हेबो। प्रथम पर्याय टीकाकरण केउं जिला रे केते केन्द्र रे टीका दियाजीव यार पूरा तालिका देछंती राज्य सरकार। मयूरभंज रे सर्वाधिक 10 केन्द्र रे टीकाकरण हेबो बोली कहा जायछि। गंजाम कटक पुरी रे 8 लेखाए केन्द्र और रायगड़ा और कलाहांडी रे 7 लेखाए केन्द्र रे हेबो टीकाकरण। सुंदरगढ़ केन्दुझर केन्द्रापड़ा रे 6 लेखाए केन्द्र रे टीकाकरण करा जिवो। सेहिपरि भुवनेश्वर महानगर खोर्धा संबलपुर कोरापुट कंधमाल जाजपुर बालेश्वर जिलार 5 लेखाएं स्थान में कोरोना टीका दिया जिवो। सरकारी डाक्तरखाना सीएचसी पीएचसी एवं घरोई डाक्तरखाना को मिसाई मोट 160 स्थान में करा जिवो टीकाकरण। एबे नजर पकाइबा आउ एक बड़ खबर उपरे। भूणी गीता मेहटांकर ऋण सुझिले नवीन। 2015 रे भूणीक ठारु 15 लाख टंका ऋण करथिले नवीन। तेबे एथर मुख्यमंत्री तांक संपत्ति तालिका रे एही ऋण कथा दर्शाई नाहंती। निज संपत्ति तालिका सार्वजनिक करिछंती मुख्यमंत्री। तांकर मोट स्थावर अस्थावर संपत्तिर मूल्य 64,98,00,000 टंका रहिछि। एही तालिका रे नवीन तांकर आंबासेडर कार कथा दर्शाइछंती जहार दाम 8,900 टंका होबो बोली कहा जाउछि। देखंतु एही रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक संपत्ति तालिका जेउथिरे मुख्यमंत्री तांकर स्थावर अस्थावर संपत्ति कथा दर्शाइछंती। मुख्यमंत्री को एही संपत्ति तालिकारु अनेक रोचक तथ्य मध्य सामना को आसीछि। बेश किछि वर्ष हेला भौणी गीता मेहटांक ठारु 15 लाख टंका ऋण नहीं दर्शाई आसुले नवीन। एथर किंतु से ऋण राशि नवीन संपत्ति तालिकार ना अर्थात भौणी आण परिशोध कर नवीन। मुख्यमंत्री मोट संपत्ति 64,98,00,000 टंका, स्थावर संपत्ति 63,64,00,000 टंका। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो संपत्ति तालिका देती बड़ भाग हो उत्तराधिकार सूत्र में पाई संपत्ति अर्थात बाबा विजु पट्टनायक और माँ ज्ञान पट्टनायक संपत्ति। नवीन ना फरीदाबाद में रही 22.7 एकर चाष जमी जहाक से माँ ज्ञान पट्टनायक उत्तराधिकार सूत्र में जार दाम 2017 वैल्यूएशन अनुसार 10,75,00,000 टंका। जमी को बिकवाप एग्रीमेंट हो 1,25,00,000 टंका अग्रिम आकार नवीन। से बापा विजु पट्टनायक उत्तराधिकारी भाव नुआदिल्लीर एपीजे अब्दुल कलाम रोड में संपत्तिर अधा भाग पाई नवीन। 2014 मसीहा वैल्युएसन अनुजाई जार मूल्य 43,36,00,000 टंका। भुवनेश्वर नवीन नवास दुई तृतीयांश रही मुख्यमंत्री नाँ 2017 वैल्युएसन अनुसार यार मूल्य हूँ 9,52,00,000 टंका। मुख्यमंत्री स्थावर संपत्ति को छाड़देले पाखे रही 1,03,00,000 टंकार फिक्स डिपोजिट। अन्य संचय खातारे थिबा टंका को मिसाइले मोट बैंक जमा रही 1,31,06,000 टंका। तेबे आउ एक रोचक तथ्य होची नवीनों नाँ रही एकमात्र पुराणा आंबासेडर कार्ड। 1980 मसीहार ए आंबासेडर कार्ड दाम 8,900 टंका दर्शा जाइछि। या छड़ा मुख्यमंत्री देथिबा संपत्ति तालिकारे रही 2,98,000 टंकार सुना गहना। ब्यूरो रिपोर्ट कनक न्यूज। मुख्यमंत्री निर्देश परे राज्यर समस्त मंत्री मानंकर संपत्ति तालिका प्रकाश करिछंती। केउ मंत्री संपत्ति केते राज्य सरकार को वेबसाइट रे ताहा प्रकाश पाइछि। देखंतु किए धनी नंबर 1 राज्यर सबुठारु धनी मंत्री किए। राज्य सरकार को वेबसाइट अनुसार यही तथ्य प्रदान करिछंती झारसुगुड़ा विधायक तथा स्वास्थ्य मंत्री नव दास। स्थावर अस्थावर संपत्ति कथा छाड़ंतु, नव और तांको परिवार सदस्यों नाम रे थिबा गाड़ीर तालिका देखिले आपण आश्चर्य होइजिबे। ए हेउची मर्सिडीज एस क्लास रो मेबैक S560 मॉडल। नव दर्शाइछंती एही मॉडल रो तांको पाखर थिबा कार रो दाम हेउची 1,96,78,000 टंका अर्थात पाखा पाखी 2 कोटी टंका। नवंक संपत्ति तालिकारु मिलिथिबा आउ एक तथ्य समस्तिंकु आश्चर्य करिदेबो। 2018-19-20 एही 3 वर्षरे 80 ट्रक हाइवा जेसीबी परी व्यावसायिक गाड़ी से किणिथिबा दर्शाइछंती।
ଏହି ତିନି ବର୍ଷରେ ସେ ଭାରତ ବେଞ୍ଚର 30ଟି, ଟାଟା ମୋଟର୍ସର 40ଟି ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରାର 5ଟି ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଆୟକର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ମୋର ନିଜର 80ଟା କାମରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ମୋର ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେଇ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 20 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ସେ ତାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା 10 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ 4 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 7 କୋଟି 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କିଏ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପବନରେ ଗାର, କିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଗେରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଅଛି ତାର କାଣିଚିଆଇ ଦିଆ ହେଇନି। ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କଥାର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କିଛି ନଥିବ, ଆଜି ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି 5 କୋଟି ଥିଲା, କାଲି 10 କୋଟି ହେଇଯିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ, ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ବି ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ 2-3ଟି କଥାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଦେବେ ଏବଂ ସେଟା ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଫିସର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନା ଓ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଧକ ହେବନି କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭଳି କରୋନା କଟକଣା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 30,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ SOP ଜାରି ହୋଇଛି। କୋହଳ ହେଲା କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କଟକଣା, 21ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବନି କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନଜରରେ ରଖି କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଥିବା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଲେ କରୋନାର ବିମାରୀର ଆକ୍ରମଣଟା ବଢ଼େ, ସେ ପାଇଁ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇ କଟକଣାଟା ରଖା ହେଇଥିଲା। ଓ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ଆଭରେଜ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ କଟକଣା ଆମେ 21 ଜାନୁଆରୀରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଥିବା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଥିସହ ଦୈନିକ 30,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 21 ତାରିଖରୁ ଏହି କଟକଣା ହଟାଇଲା ପରେ ସେହି ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଅଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 21 ଜାନୁଆରୀରୁ କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପଲସରି କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ବି କୋଭିଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ମାସ୍କ କମ୍ପଲସରି ରହୁଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରହୁଛି, ସାନିଟାଇଜର ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିକରିକେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ।
जेउमाने कोविड रिपोर्ट देखाई पारु नथिले सेमाने मंदिर भितरकु प्रवेश करि पारु नथिले फळरे मंदिरकु जेतिकि जाउथिले ताठारु अधिक भक्त बाहरु पतित पावनकु दर्शन करि निराश होइ फेरिबाकु बाध्य हेउथिले। पुरीरु सीमांचल पाठीको रिपोर्ट, कनक न्यूज। दलय कार्यरु दूरले रहुछन्ति अनुभव एपरिकि बीजेडी रो कार्यकारिणी ओ परिषद बैठक रे भी तांकु देखिबाकु मिलि नथिला। पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी सहित बिवाद परे दल तांकु कोणठेसा करिछि ना से व्यक्तिगत कारण दलय कार्यक्रम दूरे रहुछन्ति ताकु नै चर्चा चलिछि। ए हेउछि केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई कसण अंटारे मिनी स्टेडियम शिलान्यास नाम फलक। जानुआरी 8 तारीख रे मिनी स्टेडियम शिलान्यास करथिले क्रीडा मंत्री फळकरे रहिछि क्रीडा मंत्री तुषारकांति बेहरा नाम ता तले रहिछि मंत्री रघुनंदन दास नाम। जाजपुर कोरेई विधायक अशोक बड़ राजनगर विधायक ध्रुव साहू दसपल्ला विधायक रमेश चंद्र बेहरा नाम मध्य रहिछि हेले फळकरे केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती नाम नहीं। प्रश्न उठुछि बाहर जिलार विधायकों ना फळकरे रहुथिबा बेले सांसद नाम काहीकि नाही सांसद को आम कौटी दल के देखुना कि सब बड़े आम टी खोलीदे बिवाद स्वामी स्त्री बारंबार बाजुची आंग जो लगी नर्षर 75 भाग फटो दुशुना। पूर्व केन्द्रापड़ा सांसद जिले में होता दलय कार्यक्रम अनुपस्थित रही नजीर रही डिसेंबर 20 महाकालपड़ा आखड़ाशाड़ी में प्रस्तावित बंदर प्रकल्प को विधायक अतनु सब्यसाची और 5T सचिव अनुध्यान आसीथिबा बेले सांसद अनुपस्थित थिले। डिसेंबर 26 जिलार बीजेडी प्रतिष्ठा उत्सव में सांसदों देखा मिल नथिला। जनवरी 8 मंत्री तुषारकांति बेहरा बलदेवजी मंदिर को दर्शन पर जाता बेले सांसद को देखा मिल नथिला। तेणु प्रश्न उठुची पारिवारिक विवाद को नहीं चर्चा थिबा केन्द्रापड़ा सांसद दलरे कोणठेसार शिकार होउछन्ति कि तांकर जो दायित्वबोध अच्छी निर्वाचन मंडली पाई केन्द्रापड़ापाई से निर्वाह से दिगरे सचेतन नुहंते किंबा से दायित्व निर्वाह करने से आदौ चेष्टित नुहंते ये हूँ केन्द्रापड़ावासी दुर्भाग्य। घरे जो भाव पर जो भाव कली लगी दांडे पड़ी हाट में गड़ गड़ तेणु सी निजे अक्षम तर घर संभा सी केन्द्रापड़ा लोकंर कौन जनसेवा करेंगे कौन लोकसेवा करेंगे लोकंर जो उन्नतिमूलक काम कौन सी करे निश्चित भाव एक कहपे जे सी जड़े सांसद हाँपाई अजोग्य। प्रत्येक निर्वाचन मंडल किसी ना कि कार्यक्रम चलुच सी जोटी की सब जगह पहुँचवा संभव नुहे से मुझे ये कह कांग्रेस को बीजेपी को से माने निजो कथा निजो बुझंतु अन्य दल रे एते मुंडो पुरांतु ना। सांसद अनुभव ओ पत्नी वर्षा के मध्य रे विवाद को नै सारा राज्य रे चर्चा होई छि एपरिकि मामला पुलिस ओ महिला कमिशन को मध्य जाई छि वर्षा को सुरक्षा कर्मी मध्य जगाई दिया जाई छि। कोनोसी दलय कार्यक्रम हो किंबा पोस्टर बैनर आ देखा जाउ नाहंती केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती एणु तांकु दल रे कोणठेसा हबार एक प्रकार आभास मिलूँ तेरे अनेक समय पारिवारिक बिवाद रे छंदी हो पड़ा अनुभवों पर यह महंगा पड़ूनी तो। केन्द्रापड़ा कैमरा पर्सन राजेन्द्र परिडा संतोष पंडा कनक न्यूज।